बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तो आ कथा भक्त पूरणमल की कथा है सा। पूरणमल बहुत ही अच्छो भगवान को भक्त हुयो और लोग भी अवतारी भी कह रहे। तो पूरणमल को जन्म हुए तो राजा शंख चक्र भूपाल दूर दूर का ब्राह्मणा ने बुलावे और के बाता बने है देखो। सलेवान महाराज ने तो लिए पंडित बुला, अरे थाल भरे गज मोतिया तोली ने चौक पूरा। मंगला चार करो फोरल मिल मंगला चार करो कौन लगन का लड़का जन्म्या ज्योति सोरे विचार करो। कौन लगन का लड़का जन्म्या ज्योति सोरे विचार करो। लगने विचार करो ओ बालक लगने विचार करो कौन जन्म का लड़का जन्म्यारे पंडितों से विचार करो। कौन लगन का लड़का जन्म्या पंडितों से विचार करो। भक्त और भगवान की जय हो। काई के वैसा के लीने चौक पुराए पंडितो रल मिल मंगला चार करो। हे पंडितो भगवान का मंगल गाओ और बालक की लगन घड़ी देखो क्यों। ये कौन लगन का लड़का जन्म्या ज्योतिषों विचार करो। कत चार वेद गुण खोज करे बालक का लगन विचार करो। अब पंडित जी सब आप आपका पोथी पांडा खोल बैठ जाओ और के बाता बने देखो। अरे काजी मुला मौलवी तोरल मिल पड़े कुरान, अरे लगन लगावे ज्योतिषी पंडित करे बखान। सखी खुद आप जती रे अकलमंद में जबर होगा। अरे आप सती भाई आप जती और अकलमंद वो जबर होगा। दार होगा आगम में खबरी दार होगा। अरे खूब लगन में लड़का जन्म्या दुनिया में नाम होगा। ये
खूब लगन में लड़का जन्मा, दुनिया में अमर नाम होगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। काई कहे है के पंडित करे बहकान, जहान में लड़का रस के कमर होगा। अरे वे आप सती खुद आप जती, अकलमंद में बड़ा जबर होगा। के वे राजा ओ लड़को नहीं है, सेम टू सेम भगवान को अवतार है क्यों। इतो बड़ी अकलमंद हुए लो, खुद रहेगी पीर फकीरों में और आगम में खबरदार होगा। और खूब लगन में लड़का जन्मया, दुनिया में नाम अमर होगा। ए राजा तेरा नाम रोशन कर देगा ये, ऐसा लड़का पैदा हुआ तेरे घर। तो राजा और पंडिता ने दोबारा कहीं कहे देखो, पंडितों से राजा कहे तो मत कहना झूठ खिलाफ, क्या मेरा इस कुमार का रहेगा मेल मिला। हमसे कैसा रहेगा वो, कहो हमसे कैसा रहेगा, ये मुझे दुनिया में सुख देगा या साथी सबकी दहेगा, ये मुझे दुनिया में सुख देगा या साथी सबकी बाड़ेगा। कुंवर कैसे रहेगा वो, मेरे से कुंवर कैसे रहेगा, कुछ मंदे संगे वचन पिता के कुंवर भी सिर ऊपर सहेगा, वो कुछ मंदे संगे वचन पिता के कुंवर भी सिर ऊपर सहेगा। भक्त और भगवान की काई कहे के पंडित उसे राजा कहे और मत कहना झूठ खिलाफ, क्या मेरा इस कुमार का रहेगा मेल मिलाप। है पंडितों, मेरा और मेरे बेटे का मेल मिलाप रहेगा या नहीं रहेगा आपको बताना बहुत जरूरी है। ओ मारी यही छाती बाल सीख मन की सुख देसी बाबा थान बतानी बहुत जरूरी है। के रहेगा मेल मिलाप पंडितों, कहो हमसे कैसे रहेगा, ये मुझे दुनिया में सुख देगा या छाती सबकी बालेगा। नक्षत्र चंद्रमा ग्रह शोक हो, मेरे से कुंवर किस तरह रहेगा, कुछ मंदे चंगे वचन पिता के कुंवर भी सिर पर ऊपर सहेगा। हे पंडितों, मारो लड़को मारो कहनु मानी कौन मानी, सा बात एक ही है। तो पंडित काई कह रहे राजा ने, राजा पुत्र तो ये है तेरा, अरे पूर्ण भगत अवतार, मात पिता के वचन का तो रहेगा ताबेदार। हे राजा, ये बेटा तेरा है पूर्ण, इसका नाम पूर्ण रखा गया है और मात पिता को सदा सेवा भाई लड़को रे सीखियो। और रहेगा ताबेदार,
रात्रि होगा अब हस्त नक्षत्र जबर पड़ा रे बल इसमें भारी होगा। हस्त नक्षत्र जबर पड़ा भाई चंद्रमा का बल होगा। तपधारी होगा या बोलो रे ऐसा तपधारी होगा। अरे सिद्ध साध ब्राह्मण माता गुरु का आज्ञाकारी होगा। अरे सिद्ध साध ब्राह्मण माता पिता रे गुरु का आज्ञाकारी होगा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। काय कहवे के राजा पुत्र तो ये तेरा है पूर्ण भगत अवतार। अरे माता पिता के वचन का रहेगा हमेशा ताबेदार। के रहेगा ताबेदार कुंवर अस बस बलकारी होगा राजा बहुत ही बलकारी पुत्र है क्यों। अब हस्त नक्षत्र जवर पड़ा चंद्रमा का बल भारी होगा और चंद्रमा जी तो बल उसी क्यों एक मायने। वह निस्दिन पूर्ण कैलाश बसे ऐसा ये तपधारी होगा और राजा ये कंवर सन्यासी बनेगा ऐसा तपदारी होगा हमेशा कैलाश में बसेगा। के सिद्ध साध ब्राह्मण माता पिता गुरु का आज्ञाकारी होगा और सबकी आज्ञा मानने वाला लड़का है। अब राजा विप्रा की बात सुन और काई कहे। सुन विप्रों की बात को तो खुशी हुए महाराज। अरे पंडितों को कश्मीर का तो दे दिया दराज। राजा खुश होके और आपके राज्य में पंडिता ने आपको आदो राज दे दे के मारो लड़को और भगत बन सीखियो बहुत खुशी हुए राजा ने। हजार आदमी घोड़े किए पंडू के संग तारी। अरे 40,000 आदमी घोड़े किए पंडू तू संग तारी। लश्कर भारी ओ पाल की पील लश्कर भारी। बेगी नतरे असर पी सोने की कंचन थाल करस भारी। अरे बेगी नत असफरी सोने की भाई रे कंचन थाल करस भारी। बोलो भक्त और भगवान की काय कहवे। के दे दिया आधा राज राव ने परवाना की नी जारी। कोई चिंता करे मैंने राजा आपको आधो राज पंडित ने दे देवे। के कोई 40,000 आदमी घोड़े किए पंडितू संग तैयारी और पंडिता ने 40,000 तो आदमी देवे और घोड़ा अर बग्या रथियार पूछो मना दे काम भागा कर देवे सगलाई। रथ बगी पिनस बेल पाल की फील सतुर लश्कर भारी। अरे बेगिनत असर पी सोने की असर पी किन के वे
5 लाख रुपया लगे एक काटा है नी। के बेगी ने 10 रुपये सोने की भरे कंचन थाल कलश बारी, इता इता माल राजा पंडिता ने दे दे वैसा। पंडित तो सोचो आपन तो जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही कोनी क्यों। अब राजा आपके लड़के ने आशीष देवे और के बात जप तेज तेरा जग में रहे रहे राज दरबार। राजा को पंडित कह रहे हैं जप तेज तेरा जग में रहे रहे राज दरबार, देग तेज रहियो फतेह सदा हुकम गुलजार। हे राजा हमेशा थारो यहाँ को आदेश चाल तो रहे हो लोगों पर, यहाँ का हुक्म तू चलाता रहे क्यों। राजाई ओ जी बोलो रे सात मुलक की राजाई, अरे तेरा सब संपत परिवार फलियो पोते पुन्याई, तेरा रे सब संपत परिवार फलियो पोते पुन्याई। तू खुशी रहो यजमान तेरी रे सब विपरा ने सोबागाई, तू खुशी रहो यजमान तेरी रे सब विपरों ने सोबागाई। भक्त और भगवान की काई के वे के सदा हुकम गुलजार रहे तेरी सात मुल्क की राजा। ये राजा तू सात मुल्क को राजा ही रहे हमेशा ही क्यों। के तेरा सब संपत परिवार फलो और फलियो पोते पुन्याई, पोता पड़ पोता तक का दिया आशीष दे दे वे पंडित जी। देखो ते जीते जग जीत लिया मुल्कों में कर ली भलियाई, तू खुश रहे हो यजमान तेरी सब विप्रो ने शोभा गाई। ये राजा एक ब्राह्मण का वचन है क्यों ते हमेशा खुशी रहो। अब सुलेवान बहुत ही खुशी मनावे के एक तो लड़को यहां को अच्छो पैदा हुयो और ऊपरों पंडित जी भी अपना आशीर्वाद देर गया है क्यों। सलेवान की अधीनता तो सुनो पंडित तो सुन ज्ञान, जन्म पत्र के नवग्रह है चौथे स्नान। हे राजा वो थारो लड़को चौथे स्नान है क्यों। जाइयो सब बात बतलाते जाइयो, अरे सब ज्योतिषी साद लगन घर के रे हर पाते पाते जाइयो, सब ज्योतिषी
लगन घर के सब तुम पाते जाइयो। लाते जाइयो अरे लड़के के हक में दुआ मांग रे रस्ते में गाते जाइयो। लड़के के हक में दुआ मांग भाई रस्ते में गाते जाइयो। भक्त और भगवान की जय हो। कहे के सल्लेवान की अधीनता सुनो पंडितो सुन ज्ञान। अरे जन्म पत्र के नव ग्रह चौथे स्नान है चौथे स्नान ज्ञान कर सब बात बतलावे जाइयो। सब ज्योतिषी साध लगन घर के दो चार हरफ पाते जाइयो। सगला जीता भी पंडित जी थे आड़ाओ सगला कुछ न कुछ लेर जाइयो क्यों खाली हाथ कोई मत जाइयो। जैसे कुछ हरप लिया पत्री में सुरत अर्थ लाते जाइयो। लड़के के हक में दुआ मांग रस्ते में गाते जाइयो। और पूरे रास्ते जिते ताई घरे नहीं पुगो नहीं जिते ताई मारे लड़के के लिए दुआ मांगी जो क्यों। पंडित जी क्यों महाराज खुद भगवान ने काई दुआ मांगा के लिए। अबे नामकरण वाला पंडित जी चलिया जावे और कई बे राउर केतुर लाग्या करे एक जन्म ताई बाने देखनिया। पंडित जी आपका पुराण खोले वेद पुराण सगला देखो जना पचकाई बात मने बोले जूना ज्योतिषी कहे सब वेद पुकारे इस लड़के पर राव जी झपट लिखे हैं चार। अवतार हुआ या बोला रे पूर्ण भगत अवतार हुआ जो गगन सूरज रथ ठहर गया भाई लड़के के सिर पर भार हुआ। जो गगन सूरज रथ ठहर गया भाई लड़के के सिर पर भार हुआ। लाचार हुआ अरे मर गया तो हरि की इच्छा रे बच गया तो लड़का पार हुआ। मर गया तो हरि की इच्छा भाई बच गया तो वो पार हुआ। भक्त और भगवान की काय कहे के झपट लिखे हैं चार राव पूरन भक्त उतार हुआ। हे राजा इकी जिंदगी में चार झपट है चार गिर है क्यों बैठे कान खोलो सुन लीजो। जो गगन सूरज रथ ठहर गया लड़के के सिर पर भार हुआ इसी भगवान की इच्छा क्यों। एक झपट बार में बरस पड़ी इसमें तो वेद लाचार हुआ। अरे मर गया तो हरि की चाहे बच गया तो लड़का पार हुआ। हे राजा बारहवें वर्ष में बहुत तकड़ो झपट लागलो क्यों ही गए बिक मायने अगर मर जाओ तो प्रभु की इच्छा है जी जा तो लड़को पार है क्यों। अब राजा कहां जवाब दे पाछो पंडिता ने
तुम हो पूरे ज्योतिषी सर्व वेद परवीन, तुमने सब सच्ची कही तो आया मुझे यकीन। बोलो भक्त और भगवान की काय कहे के आया मुझे यकीन सब क्या जरा खुशामद नहीं कीनी। क्यों एक तो बे पंडित जी है क्यों माल पाने खातर इया कर सिर बिया कर सिर बाके शब्दा पर मन यकीन को नहीं आयो। जो देखा वेद किताबों में सो सांस दास्ता कह दीनी। और एक पंडित जी थे वो महाराज जकी बात ही जी की साची साची बता दी क्यों ठाको बन विश्वास है। इस हाल बीच कुछ फर्क नहीं ज्योतिषी की बात समझ लेनी। जो तुमने कहा हमने समझा लड़के की उम्र लिखी हीनी। राजा खुद भी कम को नहीं हो पंडित विद्वान हो पूरो कहीं लड़के की उम्र जरूर हीनी लिखेड़ी है। अब पंडित कहा जवाब देवे वापिस उम्र कुंवर की बहुत है तो थोड़ा भोग विलास तेरे और इस पुत्र को रेणी रची नेरा। गर्दिश भारी ओ बोलो रे लड़के पर गर्दिश भारी कोई लाखों जतन करो गर्दिश के नहीं डरे विघ्ना भारी। अरे लाखों जतन करो गर्दिश के नहीं डरे विघ्ना भारी। राजस्थानी हरियाणवी और मेवाती भजन गीतों व लोक कथाओं का अनूठा संग्रह मशहूर कवियों के द्वारा गाए गए गीतों की ओरिजिनल कैसेट खरीदने के लिए सबकी जुबान पर एक ही नाम क्लासिक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स। उत्तम क्वालिटी का वादा तभी तो दिखती है सबसे ज्यादा क्लासिक ऑडियो कैसेट्स। क्लासिक कैसेट कंपनी 1854/1 रेडियो मार्केट नेहरू बाजार जयपुर। हर प्रकार की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो किंग
आपकी जान है आवाज, आवाज की जान है स्टूडियो किंग। स्टूडियो किंग बर्फ थाना आदर्श नगर जयपुर, फोन नंबर 44151, ऑपरेटर इंजीनियर रमेश भाटिया। स्टूडियो किंग। भगवान की काहे के वे करेन रची ने रास राव जी लड़के पर गर्दिश भारी है राजा। बहुत ही खतरनाक काम है गयो, कोई लाखों जतन करो गर्दिश के नहीं टरे विघ्न टारी। चाहे कितना जतन कर लीजिए तू बड़ा विघ्न है जी की थारो टर कौन सके। के लगन बार में बरस तुम्हारे घर हो ऐसी बीमारी। एक लगनियाल को है के भगत पूरन के 12 वर्ष लागते हैं थारे घर में एक याल की बीमारी होली। के थारे तीनों में से एक मरे सुत पिता या जन्नेवारी। जन्नेवारी यानी माता, तीनों में एक जरूर मरसी। चाहे तू मरो, थारी लुगाई मरो, चाहे थारो बेटो मरो। अब राजा कहां जवाब देवे वापिस। हाथ जोड़ राजा कहे सुन पंडित महाराज, अरे सुख संपत्ति हो नगर में ऐसा करो इलाज। ठोक के बदन सूख गया, चेहरे की उड़ गई लाली। अरे मारे बदन के ठोक उड़ गया, रे चेहरे की उड़ गई लाली। We'll be right back.
बढ़े डाली ओ जी म्हारी रे फूले बेल बढ़े डाली मैं और दूंगा जागीर पर गिना तुमको नहीं रखता खाली अरे और दूंगा जागीर पर गिना तुमको नहीं रखता खाली बोलो भक्त और भगवान की काहे के वे के हाथ जोड़ राजा कहे सुन पंडित महाराज हे पंडित जी महाराज सुख सपंती हो नगर में ऐसा करो इलाज है महाराज नगरी के मायने सुख शांति रे वयाल को कोई इलाज करो ओ जको थे विघ्न बताए मारे तो होटा की हवाई निकल गई क्यों राजा बहुत उदास हुए अरे डिगता डिगता एक संतान हुई और भाई पंडित के बच्चे को नहीं ऐसा करो इलाज समझ के जिस विधि झपट टले टाली अरे मेरा मारे खोख के बदन सूख गया चेहरे की उड़ गई लाली हे महाराज थाना आज और विनती है राजा गिड़गिड़ा लाग जावे कोई इलाज करो क्यों कोई ऐसा जतन करो पंडित हमारी फूले बेल बड़े डाली हे पंडित जी माँ की बेल बदे यहाँ को कोई काम करो क्यों मैं और दूंगा जागीर परगना तुमको नहीं रखता खाली हे पंडित जी धन माल थे कौज तो मैं थाने देश को अपना विघ्न मारी टाल दो क्यों तो पंडित जी महाराज वापिस का जवाब दे रहे बारह बरस तक कुंवर का तो मत ना देख दीदारे बारह बरस जब बीत जाए करो मोहब्बत प्यार पहरा रहेगा वो धरती का पहरा रहेगा अरे बारह बरस तक गगन बीच भाई सूरज का रति ठहरा होगा ये बारह बरस तक गगन बीच रत सूरज का ठहरावेगा खड़ा रहेगा ओ लड़के पर जिया खड़ा रहेगा अरे बारह बरस रखो भोर में इसको सुख संपत्ति रहेगा बारह बरस रखो भोर में इसको सुख संपत्ति भी भक्त और भगवान की काई कहे पंडित जी के बारह वर्ष तक कुंवर का मत ना देख दीदार हे राजा बारह वर्ष तक तू थारे कंवर को मुंडो ही मत देखियो और बारह वर्ष जब बीत जाए करो मोहब्बत प्यार बारह वर्ष टड़िया पहली कोई इलाज कोनी है जद यहां समझ ले के बाहर बस निकल गयो बिक बाद में तू यहां समझी मारे पुत्र है यहां मैं समझी के मारे कोई पुत्र जलमे की के करो मोहब्बत प्यार राव जी धरती का पहरा रहेगा बारह बरस तक गगन बीच सूरज का रथ ठहरा रहेगा ये पर सूर्य ग्रहण लागू है पूर पदमणी परियों का लड़के पर जिया खड़ा रहेगा बारह बरस रखो भोरे में इसको सुख संपत्ति रहेगा अब राजा काई जवाब दे रहे वापिस गद्दी से राजा उठे सुन पंडितों की तदवीर
आगे आगे राव जी तो पीछे चले हैं वजीर। रणवास गए यहाँ बोलो रे दोनों वो रणवास गए। अरे सब सुन सुन बात तेरे पंडितों की राजा दिल दिसवास गए। सुन सुन बातें पंडितों की राजा दिल दिसवास गए। सारे हिरास गए ओ जी राजा रे देखत सारे हिरास गए। कुल सत्तर महले छोड़ राजा रानी इंसरा के पास गए। कुल सत्तर महले छोड़ राजा इंसरा के पास गए। बोलो भक्त और भगवान की काई के भाई के गद्दी से राजा उठे सुन पंडितों की तदवीर। अरे आगे आगे राव जी पीछे चले वजीर। राजा और मंत्री दोनों रवाना हो जाए गद्दी पर उठ के पीछे चले वजीर। झपट कर मील दोनों रणवास गए सत्रह महला और दोनों सत्रह महला में कठी नहीं जावे के सब सुन सुन बातें पंडितों की राजा के दिल विश्वास गए। जितने भर चौकीदार महलों में देखत सारी रास गए। सब चौकीदार उदास हो गए क्यों के बात है। कुल सत्रह महल छोड़ राजा रानी इंसरा के पास गए। छोटी छोटी रानी इंसरा बिकन जावे और रानी ने जार के वे कम है की मास्ता है बा बात मारी सुन क्यों तो रानी काई जवाब देवे बोली रानी इंसरा के राजा से बात किस कारण आए राव जी तो लिए मंत्री साथ। से आए बोली रानी रे महल बीच कैसे आए। अरे शुक्र आज का रोज राव ने महल बीच फेरे पाए। शुक्र आज का रोज राव ने महल बीच फेरे पाए। Thank you.
बोलो भक्त और भगवान की जय हो। के बोली रानी इंसरा के राजा से बात, अरे किस कारण आए राव जी लिए मंत्री साथ है राजा, आज मंत्री सागलेर मारे मेल में क्या आया होगी, क्यों लिए मंत्री साथ हमारे महल बीच कैसे आए, शुक्र आज का रोज राव ने महल बीच फेरे पाए, आज के दिन का शुक्रिया अदा करूं क्यों, राजा मारे मेल का गया है इतना दिन के दी दर्शन ही कौन करया, क्या सूरत पुत्र की देखन को तशरीफ मेरे पास लाए, ये सूरत कुंवर सूरज की सानी पूर्ण भक्त पुत्र कहाए, वो पूर्ण भक्त पैदा हुए ही वास्ते आया हो क्योंकि राजा का ही जवाब देवे और का ही बात बने आगे देखो, रानी में आया जिस कारणे तो मत ना पूछे हवाले, सूरत देखनी ना लिखी जो देखूं अपना लाल, साधु जोगी जो दिखला दे तस्वीर रानी, कोई ऐसा नहीं साधु जोगी दिखला दे तस्वीर रानी, खोटी अजित हुई अकसीर रानी, तकदीर म्हारी ऐसी खोटी अजीत हुई अकसीर रानी, भक्त और भगवान की काई कहे के रानी में आया जिस कारणे मतना पूछे हवाल, हे रानी पूछ मना क्यों, सूरत देखनी ना लिखी जो देखूं अपना लाल, हे रानी तू मन पुत्र काई दिखाई मारे देखनु लिखेड़ो को नहीं क्यों, जो देखूं अपना लाल हाल कोई नहीं बंदावे धीर रानी, कोई ऐसा नहीं साधु जोगी दिखला दे मुझे तस्वीर रानी, अरे पुत्र ने देखनु तो दूर रहो महात्मा मना करे कोई भी की तस्वीर दिखा दे यहाँ कोई कोई साधु को नहीं, जो मस्तक हर्फ लिखे विघ्नाने नहीं चलती तदवीर रानी, तकदीर मेरी ऐसी खोटी जिससे अजीत हुए अक्सीर रानी, हे रानी भगवान बहुत ही खोटी करिए क्यों, अब जवाब इंसरा रानी काई दे रही है और काई बात मन लिए देखो, राजा जी हमसे कहते नहीं तो दिल का अलम हवाले, हारा दिन दिन ज्यादा चमकता जगत बीच एक बार,
ए हो राव क्यों दिल से रहे सत खाते हो मैं आजीज हो कर पूछ रही रे क्यों मुझको बताते हो मैं अजीज हो कर पूछ रही क्यों मुझको नहीं बताते हो ते हो ओ जिया जरे क्यों नहीं खोल सुनाते हो अब बतलाना राजा वाजिब क्या रे असल बात छुपाते हो ए बतलाना क्या वाजिब राजा असली बात छुपाते हो भक्त और भगवान की काई कहे के राजा जी हमसे कहते नहीं दिल का अलम हवाल अरे थारा दिन दिन ज्यादा चमकता जगत बीच इकबाल के जगत बीच इकबाल राव क्यों दिल से दहशत खाते हो मैं अजीज होकर पूछ रही क्यों मुझको नहीं बताते हो राजा बात काई है क्यों मैं था कि एक दिन अजीज और थाने पूछ रही हूँ मन बताओ तो श्री की तुमने जो बात सुनी पंडित उसे क्यों नहीं खोल सुनाते हो पंडित थाने काई क्यों लड़के के बारे में काई नहीं क्यों मन खोल रही क्यों कौन बताओ क्यों थे अब बतलाना राजा वाजिब क्या असल बात छुपाते हो मारू ही बात छुपाओ जात किन चार बता सो क्यों थे राजा दुखी और काई जवाब देवे रानी काशी और कश्मीर के तो पंडित करे बयान अरे झपट तेज कुंवर पर तुरंत लगे नहीं दान नहीं जाती है ओ जी रानी ये एक पेश नहीं जाती है अरे सुन बातें पंडित ज्ञानी जी तेरे फटे मेरी छाती है सुन बातें पंडित ज्ञानी की तेरे फटे मेरी छाती है फले बतलाती है ओ दीरानी ऐसा फले बतलाती है जो देखे माता पिता रे पूरण की जान मुफ्त में जाती है जो देखे माता पिता पूरण की जान फोकट में जाती है भक्त और भगवान की काई कहे के रानी काशी और कश्मीर के पंडित करे बयान अरे झपट तेज है कुंवर पर तुरंत लगे नहीं दान है रानी बहुत तकड़ो झपट है कंवर के ऊपर के तुरंत लगे नहीं दान जान पर एक पेश नहीं जाती है सुन बातें पंडित ज्ञानी जी डरे फट मेरी छाती है हे रानी
पंडिता की बात सुन सुन मारी छाती फाटने लाग रही है क्यों, के जन्म काल सूरज की छाया ऐसा फल बतलाती है। सूरज काल की छाया में पूरन को जन्म हुए क्यों, जो देखे माता पिता पूरन की जान मुफ्त में जाती है। ये रानी पूरन बचे को नहीं क्यों, तो रानी इंसरा राजा जी ने काहे की जवाब दे रही है। राजा जी जे दिन करड़े तो कुंवर पर जल्दी करो उपाय, लाल दिया कर तारने करो लाड़ रंग चावे। याद करो राजा जिस तरह पंडित वेद बतावे हैं, शास्त्र मर्याद करो राजा जिस पंडित गणित बतावे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। काई कहवे के राजा जी ने दिन करड़े कुंवर पर जल्दी करो उपाय। रानी कह रही है और लाल दिया करतार ने करो लाड़ रंग चाव। ही राजा भगवान आपने पुत्र दिए तो इनको जल्दी जल्दी कोई उपाय करवाओ, के करो लाड़ रंग चाव राव जी अच्छे दिन फिर आवे, कोई ऐसा यत्न करो राजा मंडप में सूरज छिप जावे। ये राजा सूरज को प्रकोप है तो यहाँ को उपाय करो। पंडिता ने पूछ रहे जगह सूरज निकले नहीं पावे क्यों, शास्त्र मर्याद करो राजा जिस तरह से पंडित बतलावे। हे राजा जी की तरीके पंडित आपने तरीको बतावे तो बालक की जान बचाने की कोशिश करो क्यों। इन प्रकारों आपूरन मल की कथा अगले वॉल्यूम में थाने भक्तपूरन मल कष्ट किया बचे बार में साल अड़ू वो बताशा। बोलो भगत और भगवान की जय हो। करो राजा जी सूरज मंडप में छिप जावे हैं। भक्तपूरन मल की कथा को असली आनंद लेनु है तो आज ही
क्लासिक कैसेट खरीद लाओ, देरी करने में कोई फायदा बनी है। बस पूरन मल की पूरी कथा मेधाने क्लासिक कैसेट की तरफ हूँ पेश कर। राजस्थानी, हरियाणवी और मेवाती भजन गीतों व लोक कथाओं का अनूठा संग्रह। मशहूर कवियों के द्वारा गाए गए गीतों की ओरिजिनल कैसेट खरीदने के लिए सबकी जुबान पर एक ही नाम, क्लासिक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स। उत्तम क्वालिटी का वादा, तभी तो बिकती है सबसे ज्यादा क्लासिक ऑडियो कैसेट्स। क्लासिक कैसेट कंपनी, 1854/1 रेडियो मार्केट, नेहरू बाजार, जयपुर। हर प्रकार की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो किंग, आपकी जान है आवाज, आवाज की जान है स्टूडियो किंग। स्टूडियो किंग, बर्फ थाना, आदर्श नगर, जयपुर। फोन नंबर 44151। ऑपरेटर इंजीनियर रमेश भाटिया। स्टूडियो किंग।